कटरीना कैफ के दूल्हे राजा विकी कौशल का कौन नहीं है दीवाना। ये हैंडसम मुंडा लड़कियों का दिल चुराने में एक्सपर्ट है। विलाज नंबर वन हीरो की लिस्ट में विकी कौशल का नाम शामिल हो गया है। मुंबई के चौल से लेकर महंगी लाइफस्टाइल और आलिशान घर में रहने तक का सफर तय करना विकी कौशल के लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपनी सफल जिंदगी में कई रिजेक्शंस भी देखे हैं। वेल, विकी फिल्म जरा हटके जरा बचके में जल्द ही नजर आने वाले है, जिसमें उनके साथ सारा अली खान बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी। दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक होगी। तो चलिए विकी कौशल की जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते हैं। विकी कौशल का जन्म 16 मई 1988 के दिन मुंबई के एक चौल में हुआ था। उनका पूरा बचपन 10x10 के कमरे में गुजरा, जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनके पिता श्याम कौशल फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन डायरेक्टर है, जबकि माँ वीना कौशल हाउसवाइफ है। कम ही लोगों को ये पता होगा कि विकी कौशल एक्टर बनने से पहले एक इंजीनियर थे। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले विकी कौशल विदेश में नौकरी किया करते थे। विकी को ज्यादा दिन तक नौकरी रास नहीं आई और एक्टिंग में बढ़ती दिलचस्पी की वजह से उन्होंने कुछ दिन बाद नौकरी छोड़ दी। इसके बाद विकी कौशल ने किशोर नमित कपूर की एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया और वहीं से एक्टिंग सीखी। सपनों की दुनिया मुंबई में पले बड़े विकी कौशल को बचपन से ही सिनेमा देखने और एक्टिंग करने का शौक था। साल 2012 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। विकी कौशल की बतौर लीड एक्टर फिल्म मसान थी, जिसमें उनका रोल भले ही छोटा था लेकिन काफी इंप्रेसिव था। वही बॉलीवुड सफर की बात करें तो विकी की पहली डेब्यू फिल्म लव शव थे चिकन खुराना थी, जिसमें उनके एक्टिंग ने खूब वाहवाही लूटी। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी रमन राघव उनकी दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन के साथ उनकी एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हुई। उन्हें असली पहचान दिलाने वाली फिल्म उरी थी। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। विकी कौशल के उनकी दमदार एक्टिंग के लिए अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसमें आईफा, फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड, जी सिने अवार्ड का भी नाम शामिल है। कहा जाता है कि विकी कौशल को महंगी गाड़ियों का शौक है। रिपोर्टेडली उनके पास रेंज रोवर वोग ऐसी है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, और मर्सिडीज बेंज GLC है, जिसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए है, और BMW X5 जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? विकी की इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।